यह सफर तुम्हारा है, यह कहानी तुम्हारी है, यह जिंदगी तुम्हारी है। तो इस सफर में मिलने वाले गम या खुशी किसी और के कैसे हो सकते हैं? क्या ये दोनों भी सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं? यदि हैं तो शिकवा किस से और शिकायत किस बात से? दोनों अपने हैं तो भेद क्यों करें? जिस यात्रा पर तुम निकल पड़े हो, यहाँ उम्र के हर पड़ाव पर कई मुसाफिर मिलेंगे, कई आएंगे और तुमसे कुछ सीख कर जाएंगे, कोई तुम्हें कुछ सिखा कर जाएगा, कोई हाथ पकड़ थोड़ी दूर साथ चलेगा, फिर आंखों से ओझल हो जाएगा। अब यदि तुम उस व्यक्ति या स्थिति को अपना संपूर्ण यात्रा सार मान लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? सच्चा साथी तो वही है जो तुम्हें और आगे जाने की प्रेरणा दे, ना कि वहीं रुक जाने की। शिक्षा, विवाह या धन अर्जित करना, यह तुम्हारी यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, पर कोई भी पड़ाव संपूर्ण यात्रा नहीं हो सकती। हाँ, वह एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है यात्रा का, यदि वे घटना या पड़ाव तुम्हें तीव्रता से यात्रा पूर्ण करने में सहायक हो जाए। हर सूर्योदय अपने साथ तुम्हारे लिए जीवन को फिर से शुरू करने की रोशनी लेकर आता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणादायक यदि कोई है तो वह तुम्हारे विचार हैं। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारा घर है, इस दृष्टिकोण से सोचो, तभी सबकी जीत सुनिश्चित कर सकते हो। तुम्हारे समक्ष दो विकल्प हैं। अपना संपूर्ण दिन नकारात्मकता, नकारात्मक विचार और नकारात्मक लोगों के साथ व्यतीत करें, या अपने लिए ऐसे लक्ष्य का चयन करें जो आपके उत्साह को बढ़ाने वाला और आपके जीवन को खुशी से भरने वाला हो। हौसले की उड़ान फिर से भरने के लिए मुदिता स्पिरिचुअलिटी चैनल को सब्सक्राइब कर एक अच्छा कदम उठाएं।